लेट्स कंटिन्यू विद आर स्टोरी लेसन फोर्टीन अकबरी लोटा बाई अन्नपूर्णान पार्ट टू आखिर बात क्या है कुछ बताइए भी मैटर प्लीज टेल मी द इंग्लिश मैन इंक्वाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है सर इट लुक्स लाइक अस्टोरिकल लोटा बिलवासी सेट जान क्या पड़ता है मुझे पूरा विश्वास है ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है इनफैक्ट आई एम श्योर इट इज द फेमस अकबरी लोटा इन सर्च ऑफ विच म्यूजियम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी ये बात और रियली इज दैट सो द इंग्लिश मैन वॉज सरप्राइज जी जनाब यस सर नाउ बिलवासी हैज अ स्टोरी टू टेल

this लोटा was वेरी डियर टू emperor अकबर एंड दस इट was कॉल्ड अकबरी लोटा वह बराबर इसी से वजू करता था अकबर यूज टू परफॉर्म वजू लोटा सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है इट्स नोन टू बी अ पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली टिल 1857 पर इसके बाद लापता हो गया बट आफ्टर दैट इट मिसिंग कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है यू नो द प्लास्टर मॉडल ऑफ दिस लोटा इज नाउ केप्ट इन म्यूजियम पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया आई हैव नो आईडिया म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए यू नो इफ म्यूजियम अथॉरिटीज कम टू नो अबाउट दिस दे विल दिस लोटा फॉर अ फैंसी रेट आई एम श्योर इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार हो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन एंड द आईस विच अ स्मॉल बल्ज आउट एंड सीम्ड लाइक अबे पकोड़ा ना उसने बिलवासी जी से पूछा एंड देन ही बिलवासी जी तो आप इस लोटे का क्या करिएगा सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस लोटा मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंटीक थिंग्स बिलवासी रिप्लाइड मुझे भी मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है एट दिस द इंग्लिश मैन वॉज इवन आई हैव हैवे हॉबी ऑफ कलेक्टिंग हिस्टोरिकल एंड एंटीक थिंग्स जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था यू नो वेन दिस लोटा फेल ऑन मी आई वॉज डूइंग द सेम

आपने यू ऑफ कोर्स से दिलवासी वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे दैट वाज द इंग्लिश नेक्स्ट क्वेश्चन इट फेल ऑन योर फीट और माइन आपके अंगूठा उसने आपका भूरता किया या मेरा इट इंज्योर्ड योर टोज और माइन आपका ऑफ कोर्स योर्स इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है सो इट्स माई राइट

मैं सौ देता हूं यू आर चार्जिंग फिफ्टी रुपीज फॉर दिस टंबलर दिस लोटा इज इन डिट आई एम रेडी टू गिव हंड्रेड रुपीज इंग्लिश मैन मैं डेढ़ सौ देता हूं आई गिव वन हंड्रेड एंड फिफ्टी बिलवासी के मह मैं दो सौ देता हूं आई गिव टू हंड्रेड इंग्लिश मैन मैं ढाई सौ देता हूं थ्रू द करेंसीज वर्थ रूपीज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज इन फ्रंट ऑफ लाला झाउलाल साहब को भी ताव आ गया द इंग्लिश मैन टू वॉज नॉट रेडी टू गिव अप उसने कहा ढाई सौ देते हैं तो मैं पांच सौ देता हूं एंड ही सेड इफ यू गिव टू हंड्रेड एंड गिव हंड्रेड रुपीज अब चलिए दैट्स इट द इज ओवर कम ऑन लेट्स लीव नाउ बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो विथ ग्रेट रिग्रेट बिलवासी स्टार्टेड

I don't have more than two so hundred and fifty rupees. ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई एज सुन एज द इंग्लिश एक्साइटमेंट सो हैपी उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला ही ग्रैप्ड द लोटा एंड सेट अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा नाउ आई कैन रिटर्न हैपीली टू माई कंट्री मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कौन पक गए थे ओह आई वॉज फेड अप लिजनिंग टू मेजर डगलस बोस्टिंग मेजर डगलस मेजर डगलस कौन है हु इज मेजर डगलस बिलवासी सिंह मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं मेजर डगलस इज माई नेबर पुरानी चीजों की संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ लगी रहती है

जहांगीरी अंडा यस yes, जहांगीर एग सेड द इंग्लिश मैन मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं मेजर डगलस ऑफ द दैट ओनली ही कुड गेट जेन्युन एंड एंटीक थिंग्स फ्रॉम इंडिया पर जहांगीरी अंडा है क्या बट वॉट इज जहांगीरी एग बिलवासी सप्रेस हिज क्यूरियोसिटी एंड इंग्लिश मैन केम स्टोरी ऑफ जहांगीर अंडा होंगे जहांगीर का प्रेम कराया था मेड एम्प्र जहांगीर फॉल इन लव विजहा जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया नूर ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा बताया था कि ऐसे वंस नूरजहां वास रिलीजिंग द पीजियंस ओन्ड बाय जहांगीर, जहांगीर गोट अनोयडेड दिस एंड ही आस्क नूरजहां हाउ कैन यू फ्लाई माय पीजियंस अवे, अट व्हिच शी रिलीज्ड एनाटर पीजियंस एंड सेड लाइक दिस उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया

As a mark of his gratitude towards the pigeon he preserved one of its eggs with great effort and it hung in a billor handi an earthen pot in front of him baad mein jahangiri later the same egg became popular as jahangiri egg usi ko major douglas ne parsal दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से तीन सौ रुपए में खरीदा एंड मेजर डगल ही बॉट इट फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज फ्रॉम ए नोबल मुसलमान लास्ट ईयर इन दिल्ली ये रियली एक्सक्लेम्ड बिलवासी हाँ पर अब मेरे आगे दो उनकी नहीं ले सकते या बट नाउ ही बी ऑफ नो इक्वल टू मी मोर मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है बिकॉज लोटा इज वन ओल्डर टू हिज जहांगीरी अंडा द इंग्लिश मैन इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ ओह दैट्स ग्रेट एज पर द रिलेशन बिटवीन अकबर एंड जहांगीर योर लोटा विल बी द फादर ऑफ दट जहांगीरी अंडा ग्रेट बिलवासी

छह दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है इट सीम्स लाइक ईच हेयर ऑफ हिज अनशेव सिक्स डे लॉन्ग बियर्ड वॉज डांसिंग विथ हैपीनेस उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए ढाई सौ रुपया घर से ले आए पर आपके पास तो थे नहीं Now he understood why Bilwasi was behaving in a weird way. He was so happy and then he asked Bilwasi Ji, "How did you manage to get 250 rupees that I had asked for? You are not having it, right?" इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है. आप उसी से पूछ लीजिए. मैं नहीं बताऊंगा. Bilwasi said, "It's a secret that only God knows other than me." Sorry, I can't reveal it. You better ask him. पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है, दो घंटे तक. Now when Bilwasi was about to leave, Lala Jhau Lal stopped him. He said, "Wait, wait. Where are you going? I have got some work with you for two hours. दो घंटे तक? Two hours?" exclaimed Bilwasi. "Ha? और kya? अभी मैं आपकी पीठ ठोक शाबाशी दूंगा एक घंटा इसमें लगेगा फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा एक घंटा इसमें भी लग जाएगा देन आई गिव यूर टाइट थैंक यू दैट विल टेक एन आर मोर अच्छा पहले पांच सौ रुपए गिनकर सहेज लीजिए

Counting or tallying it becomes such an interesting and delightful thing that we naturally get engrossed in it. We love doing it. So Lala Jhaulal was totally involved in counting his money. Lala Jhaulal ne apna kary sabap karke upar dekha, par Bilwasi ji is beech antardhan ho gaye. And by the time Lala Jhaulal finished counting the money and looked up. Bilwasi ji had disappeared by then. He left. In this way, Lala Jhaulal's problem was solved with the help of his friend Bilwasi Vishr. Now let's move on to Bilwasi Ji's house. Let's see what's happening there. उस दिन रात्रि में बिलवासीजी को देर तक नींद नहीं आई. Bilwasi Ji could not sleep that night. वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे.

to which a key was tied. He removed that key. फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला. He then took that key, quietly entered her room and opened the box, the trunk, with that key. उसमें ढाई सो के नोट, जीओं के तियों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया. Then he replaced टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज इन दंक एज इट इज एंड ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया वेरी स्लोली ही रिटर्न टू हिस्पिंग वाइफ एंड टाइड द की बैक टू हर चेन इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली Then he smiled and stretched out his body in relaxation. दूसरे दिन सुबह आठ बजे तक चैन की नींद हुई and then when the mission was accomplished he was relaxed. He slept peacefully till eight o'clock in the morning. इस प्रकार पंडित बिलवासी मिश्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अपने मित्र की समस्या का हल निकाला. In this way स बिलवासी मिश्र हेल्प हिस्साउट ऑफ द डिफिकल्ट सिने न सिर्फ अपने मित्र झाऊलाल की रुपए बटोरने में मदद करके उनके स्वाभिमान की रक्षा की बल्कि अपनी इज्जत भी बचाई नॉट ओनली ही हेल्प हिज फ्रेंड टू गेट द मनी ही रिक्वायर्ड एंड सेफ गार्ड हिज सेल्फ रेस्पेक्ट बट ही प्रोटेक्टेड हिज डिग्निटी टू लेखक हमें सीख देना चाहता है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन बिकम द the वेपन ऑफ द बैटल ऑफ लाइफ इट्स ऑल अबाउट रिमेनिंग काम एंड wise एंड एक्ट वाइज इवन Let's रिवाइज लाला झाउलाल को दुकानों से कितने रुपए मासिक किराया मिलता था हाउ मच अमाउंट डिड लाला की पत्नी ने उनसे कितने रुपए मांगे? झाउलाल्स वाइफ आस्क हिम फॉर लोटा कौन सी मंजिल से गिरा फ्रॉम विच फ्लोर डिड द लोटा फॉल अंग्रेज ने लोटा कितने रुपए में खरीदा फॉर हाउ मच मनी डिड द इंग्लिश मैन बाई द लोटा अकबरी लोटा जहांगीरी अंडे से कितना पुराना है हाउ ओल्ड इज अकबरी लोटा जहांगीरी अंडा डगलस ने जहांगीरी अंडा कितने रुपए में खरीदा वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ द जहांगीरी अंडा दट मेजर डगल बॉट फ्रॉम इंडिया बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहा से किया था एंड वे डिड पंडित बिलवासे मिश्र arrange the money he brought to help his friend where did he get that 250 rupees from so that was akbari lota by annapurnanand verma no matter how difficult or stressful the situation is you can get out of it use your common sense and presence of mind thank you for watching Please like, share, and subscribe, and keep watching the channel to get new lessons. See you again in the next video with a new lesson.